हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज अभिषेक। आज हम डिस्कस करने वाले गाइस LL1 पार्सर क्या होता है। गाइस ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एकदम एंड तक देखिएगा। व्हाई इट सो, बिकॉज इसमें हम डिस्कस करने वाले गाइस फर्स्ट और फॉलो का कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। एंड गाइस ये हमारी कंपाइलर डिजाइन की सीरीज चल रही है, बहुत सारे लेक्चर्स डल चुके हैं, सो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ओके प्लेलिस्ट की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट LL1 पार्सर है क्या, सबसे पहली बात गाइस ये है हमारा टॉप डाउन पार्सर। ठीक है, पार्सर भी दो टाइप्स के होते हैं, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर। गाइज आई एल अपलोड अ वीडियो इन द फ्यूचर और मैं इसी प्लेलिस्ट में इससे पहले ऐड कर दूंगा ओके। सो फिलहाल फॉर द टाइमिंग LL1 पार्सर आप समझिए कि ये हमारा टॉप डाउन पार्सर है ओके। और पार्सर क्या होता है गाइज, हमारा पार्सर इज नथिंग बट सिंटैक्स एनालाइजर है ना। जो हमने फेजेस पढ़े थे ना, फेजेस ऑफ अ कंपाइलर, उसमें हमारा सेकंड फेज होता है सिंटैक्स एनालाइजर, दैट इज हमारा पार्सर होता है। सो विच जनरेट्स पार्स ट्री, तो हम उसी के स्पेसिफिक हम देख रहे हैं LL1 पार्सर। सो इसमें एल का, पहले एल का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट एल मीन्स लेफ्ट टू राइट हम स्कैन करेंगे अपने इनपुट को। फॉर एन एग्जाम्पल इनपुट है ABCD, सो हम इसको स्कैनिंग करेंगे। सो गाइस वी विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वी विल स्कैन द स्ट्रिंग ओके। तो ABCD करके हम लेफ्ट से राइट जाएंगे एंड वी विल स्कैन इट। नाउ सेकंड एल का मतलब क्या होता है गाइस, सेकंड एल डिनोट्स की दैट यस वी विल यूज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इन दिस पर्टिकुलर पार्सल। एंड गाइस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड वन क्या डिनोट कर रहा है गाइस, वन डिनोट्स द नंबर ऑफ लुक अहेड्स। अब लुक अहेड्स का मतलब क्या हो रहा है कि हाउ मेनी सिंबल टू सी टू मेक अ पर्टिकुलर डिसीजन। मतलब अगर हमारे पास ABCD है, तो हम अगर इसे सपोज ए की सिंबल को देख रहे हैं, तो हमको ये हमारा हो गया नंबर ऑफ लुक अहेड्स। सो गाइस दैट्स व्हाई हमारा ए की सिंबल हम देखेंगे, तो इसलिए हमारा ये हो गया वन लुक अहेड, इसको हम बोल रहे हैं ठीक है। तो नंबर ऑफ लुक अहेड्स इसमें LL1 पार्सर में एक होता है। अगर हम दो सिंबल एक साथ देखेंगे तो हम कहेंगे देर आर टू लुक अहेड्स, बट इन दिस पर्टिकुलर पार्सर LL1 में एक ही लुक अहेड होगा। मतलब हम एक सिंबल देखेंगे और तब हम अपने डिसीजंस लेंगे। नाउ लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। सपोज फॉर एन एग्जांपल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, आपका जो इनपुट बफर होगा ना, मतलब हम जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसके एंड में सबसे पहली बात आपका एक डॉलर सिंबल होगा ही होगा ओके। इस डॉलर सिंबल का होना क्या बताता है कि दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और एंड ऑफ स्ट्रिंग में डॉलर होना ही चाहिए आपका। एंड गाइस टू इंप्लीमेंट दिस पार्सर LL1 पार्सर, इसमें हम एक स्टैक यूज करते हैं ओके, डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं स्टैक फॉरवर्ड पार्सिंग। और इसके एंड में मतलब बॉटम ऑफ द स्टैक में हमारा ऑलवेज डॉलर होना ही होना चाहिए ओके, दिस इज ऑल्सो अ कंपल्शन। सो इसके एंड में हमारा मतलब इसके बॉटम में हमारा डॉलर होगा एंड इनपुट के एंड में हमारा डॉलर होगा। इन दोनों डॉलर की मदद से हम क्या करेंगे गाइस, सो गाइस दीज आर यूज टू गेस कि हमारे को रुकना कब है ओके, तो हमको कब स्टॉप करना है, ये हमारे को उस चीज में हेल्प करेंगे। एंड फ्रेंड्स LL1 पार्सर हमारा क्या है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि हमारा पार्सर क्या होता है गाइस, सिंटैक्स एनालाइजर होता है ओके। सो LL1 पार्सर क्या है, बेसिकली हमारा एक पार्सिंग एल्गोरिथम है विच विल टेल व्हाट टू डू एंड व्हाट एक्शंस वी आर सपोज टू टेक ओके। एंड सिंपली हम इससे जनरेट क्या करेंगे गाइस, हमें जनरेट करना है बेसिकली LL1 पार्सिंग टेबल। और टू जनरेट दिस LL1 पार्सिंग टेबल हमको फर्स्ट और फॉलो नाम के एक फंक्शंस होते हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, तो हम अभी उसको वो देखते हैं। सो गाइस LL1 पार्सिंग टेबल में देखिए, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम बनाएंगे यूजिंग व्हाट, अपना गिवन ग्रामर। हमको जो गिवन ग्रामर होगी इनपुट में, हमको जो ग्रामर गिवन होती है उसका यूज करके गाइस हम कंस्ट्रक्ट करेंगे LL1 पार्सिंग टेबल ओके। एंड बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द LL1 पार्सिंग टेबल व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं फर्स्ट एंड फॉलो, तो हमको फर्स्ट और फॉलो पहले समझना है। और जब ही हमको समझ में आ जाएगा इसकी मदद से हम लोग LL1 पार्सिंग टेबल फ्यूचर में बनाएंगे इन दी अपकमिंग वीडियोस। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, मैं आपको पहले सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि एग्जांपल के थ्रू, एंड देन वी विल सी द डेफिनेशन। सपोज फॉर एन एग्जांपल ये वाला देखिए, पहले रेड पेन से जो लिखा हुआ है, एस डिराइव स्मॉल ए बी, ए डिराइव बी एंड बी डिराइव सी। तो फर्स्ट ऑफ एस का मीनिंग क्या हो रहा है गाइस, मतलब हम जैसे स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से, एस डिराइव ए ए बी, तो हमारा जो इनपुट है गाइस उसके शुरुआत में हमारा क्या आएगा, उसको हम बोलते हैं सिंपल सा फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ एस हमारा हो गया ए, एंड वी टॉक ऑफ फर्स्ट ऑफ ए, तो ए के बाद हमारा प्रोडक्शन क्या है बी, तो हमेशा हमारा मतलब ए के बाद जो स्ट्रिंग जनरेट होंगे वो बी ही जनरेट होने वाला है, तो हम सिंपली फर्स्ट ऑफ ए कहेंगे बी है। एंड वेन वी टॉक ऑफ फर्स्ट ऑफ बी, तो बी के बाद हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं गाइस, सी, तो हमारा जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट होगा सी से ही स्टार्ट होगा, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं। सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ बी इज सी हेयर। एंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल गाइस फर्स्ट ऑफ ए की अगर हम बात करते हैं, तो हम अपना सिंपली ए से क्या डिराइव कर सकते हैं गाइस, या तो सिंपली अपना ABCD डिराइव कर लो। तो पहला हमारा जो इनपुट है, जो हमारा टर्मिनल है, दैट इज व्हाट ए, तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ए आपका हो गया ए। या फिर आप अपना पार्सिंग जब बनाएंगे, यू कैन ऑल्सो टेक दिस प्रोडक्शन DEF वाली, सिंपली ए विल डिराइव व्हाट DEF, तो आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा गाइस, इस केस में डी हो जाएगा। एंड सिंपली फर्स्ट ऑफ इन GHI हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ओके, बिकॉज दिस इज हमारा स्टार्टिंग सिंबल, बिकॉज गाइज ये है हमारा स्टार्टिंग का टर्मिनल। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ए की अगर हम बात करते हैं, मतलब ए इन द सेंस सपोज कोई भी आपका एक स्पेसिफिक वेरिएबल है ओके, सिंबल है, इट इज़ अ सेट ऑफ टर्मिनल्स, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट बिगेन इन स्ट्रिंग्स डिराइव फ्रॉम ए, है ना। मतलब आप इससे जैसे सपोज ये प्रोडक्शन डिराइव कर रहे हो, तो उसके स्टार्टिंग में हमारा कौन सा स्ट्रिंग आ रहा है, कौन सा हमारा टर्मिनल आ रहा है, उसको हमें लेना है एज अ फर्स्ट सिंबल।
तो इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू गाइस हमने देख लिया कि हमारा फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा एंड इस केस में हमारा फर्स्ट ऑफ एस फर्स्ट ऑफ बी की हमने डिस्कशन कर ली. ओके नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ फॉलो ऑफ ए, जैसे कि हमारे को नाम से ही पता चल रहा है फॉलो ऑफ ए मतलब ये किसी चीज के पीछे आ रहा है ना. सो गाइस इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वट इज द टर्मिनल विच कुड फॉलो अ वेरिएबल इन द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन. ओके मतलब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ गाइस, सपोज हमको एक प्रोडक्शन गिवन है एस डिराइव्स ए ए बी, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि वट इज द फॉलो ऑफ ए मतलब इसके बाद हमारा कौन सा टर्मिनल आ रहा है, तो सिंपली इसका फॉलो हो जाएगा इसका जो भी हमारा पूरा स्ट्रिंग है इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया ए, तो फॉलो ऑफ ए इज सिंपली ए इन दिस केस. एंड गाइज वी कैन ऑल्सो डिफाइन द फॉलो ऑफ ए इज वट सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट अपेयर इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए, है ना. अगर हम सेट यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉलो ऑफ ए क्या है मतलब उसके तुरंत बाद जो भी हमारे टर्मिनल्स आ रहे हैं हम उसको ले लेंगे. तो इसके बाद तुरंत कौन सा टर्मिनल आ रहा है आपका गाइज, हमारा आ रहा है ए, सो दैट्स वाई फॉलो ऑफ ए इज स्मॉल ए इन दिस केस पर्टिकुलर सिनेरियो. और एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों. नाउ गाइज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मतलब आपको ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो चीज़ ये कि फॉलो ऑफ द स्टार्ट सिंबल विल ऑलवेज बी डॉलर, है ना. मतलब जो भी आपका स्टार्टिंग सिंबल होगा किसी भी प्रोडक्शन का उसका आपका फॉलो जो होगा दैट विल ऑलवेज बी डॉलर. एंड अगर आपका जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये वाला हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं एस डी राइव ए बी सी डी एंड उनकी प्रोडक्शन गिवन है, तो स्टार्टिंग सिंबल क्या है हमारे यहाँ पे एस इज अवर स्टार्टिंग सिंबल, तो स्टार्टिंग सिंबल एस है तो इसका हमारा जो फॉलो है उसमें हमेशा हमारा डॉलर आएगा ही आएगा. ओके इट विल ऑलवेज कंटेन डॉलर. व्हाई इज इट सो गाइस, बिकॉज वी अज्यूम कि जो हमारा स्टार्टिंग सिंबल है ना इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय डॉलर, तो यस जब भी हम इसकी फॉलो की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक डॉलर तो आएगा ही आएगा. एंड अगर गाइस जस्ट इन केस हमारा जो कैपिटल एस है अगर राइट साइड में किसी भी जगह प्रोडक्शन में प्रेजेंट है, सो गाइस इफ अवर एस इज प्रेजेंट इन एनी ऑफ द प्रोडक्शन जो कि हमारी आरएचएस पे है, तो हमारा फॉलो में उस समय हमारे और भी टर्मिनल्स जुड़ेंगे, वो गाइस हम अभी आगे एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको और क्लियर होता रहेगा. बट फॉर द टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है कि फॉलो ऑफ द स्टार्ट सिंबल विल ऑलवेज कंटेन डॉलर, ये आपको ध्यान रखने रखना पड़ेगा. एंड फॉर एक और हमारा टिप क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्शन होती है ऑफ द फॉर्म ए डिराइव्स अल्फा एंड देन सिंपली बी, देन आपका गाइस फॉलो ऑफ बी की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद तो यार मेरा कोई टर्मिनल आ ही नहीं रहा है ना, तो व्हाट विल बी माय फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी हमारा क्या होगा गाइस फॉलो ऑफ ए होगा. मतलब इफ वी टॉक ऑफ फॉलो ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट फॉलो ऑफ ए. व्हाई इज इट सो गाइस, ये हम अभी आगे देखेंगे एग्जांपल्स में. सो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम देखेंगे गाइस फर्स्ट ऑफ एस क्या है हमारा, तो फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा गाइस, सपोज देखिए हम अगर पास्ट जनरेट करते हैं तो हमारा क्या जनरेट होगा गाइस ए बी सी एंड डी. सो गाइस फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा हमारा, इस पूरे इनपुट में जो भी गाइस हमारा फर्स्ट सिंबल है, फर्स्ट सिंबल क्या है गाइस हमारा ए है. ओके सो ए विल डिराइव व्हाट, अब हम देखेंगे हमें क्योंकि टर्मिनल चाहिए होता है ना, जो भी हमारा फर्स्ट होता है दैट गिव्स व्हाट टर्मिनल, तो हम देखेंगे ए हमारा क्या डिराइव कर सकता है, ए कैन डिराइव बी. तो यस हमारा फर्स्ट ऑफ एस क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ एस विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो सिंपली हमारा फर्स्ट ऑफ एस हो गया फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए हमारा हो गया बी. नाउ गाइस लेट अस सी अनदर कंडीशन कि हमारा सपोज यहाँ पे बी के बदले एप्सिलॉन भी, यहाँ पे हमारी एक प्रोडक्शन है ए डिराइव एप्सिलॉन, तो इससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा. ओके सो इफ वी हैव ए डिराइव बी स्लैश एप्सिलॉन ये वाली प्रोडक्शन, देन गाइस अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ एस की, तो हमारा फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा गाइस, फर्स्ट ऑफ एस विल बी इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ दिस क्या है हमारा मतलब फर्स्ट ऑफ ए होगा, फर्स्ट ऑफ ए क्या है बी, तो ये तो हमारा हो गया सिंपल सा कि हमारा बी हो सकता है, एक हमारा सिनेरियो ये हो गया. बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए डिराइव एप्सिलॉन है तो सिंपली मैं यहाँ पे बी ना लेके एप्सिलॉन ले लूँ, तो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग क्या बचा, बी सी डी बचा ना सिर्फ, अगर मैं यहाँ पे ए के बदले एप्सिलॉन मान लूँ तो मेरा बचा सिंपल बी सी डी, तो मतलब ये मेरा हो गया बी सी डी है ना, अगर मैंने इसको एप्सिलॉन मान लिया. तो इस केस में गाइस मेरा फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एस विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी, और फर्स्ट ऑफ बी आपका क्या है गाइस स्मॉल सी, तो सिंपली यहाँ पे हमारा सी बी एड हो जाएगा. ओके तो दिस इज द सिनेरियो, मतलब अगर बी लेते हैं तो सिंपली हमारा फर्स्ट ऑफ एस हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी. अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है क्या कि मैं यहाँ पे एप्सिलॉन रख दूँ, एप्सिलॉन रखूंगा तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन, एंड ये जो मेरी प्रोडक्शन बाकी की बची है जो मेरी स्ट्रिंग होगी दैट विल बी व्हाट बी सी डी, तो सिंपली मेरा फर्स्ट ऑफ एस विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी विल बी इक्वल टू स्मॉल सी, क्योंकि गाइस मेरा फर्स्ट ऑफ एस होगा फर्स्ट ऑफ बी दैट इज सी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. ओके तो ए के बदले हमने रख दिया एप्सिलॉन तो बचा बी सी डी, फर्स्ट ऑफ एस हुआ फर्स्ट ऑफ बी हुआ आपका स्मॉल सी, तो ये आपका सिनेरियो है गाइज. ओके तो ये हो गया सिंपल सा सिनेरियो. एंड गाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस व्हाट कि अगर आपका इनपुट है ए बी सी डी तो उसके एंड में डॉलर होगा ही होगा. ओके सो इट विल ऑलवेज फॉलोड बाय अ डॉलर एट द एंड, एंड गाइज स्टार्टिंग सिंबल विल ऑल्सो बी फॉलोड बाय व्हाट डॉलर, ठीक है, तभी हमारा जो है फॉलो ऑफ एस होता है डॉलर, इसी को हम एज्यूम करके चलते हैं, तभी हमारा फॉलो ऑफ एस क्या होगा डॉलर. ओके सो गाइज एक और एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट निकालते हैं फिर इसके बाद उसके देखेंगे फॉलो कैसे आ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा गाइज, मतलब फर्स्ट ऑफ एस विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पूरा जो हमारे को ये ए बी सी डी सिंबल्स गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ एस विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट बी, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सिंपली बी. ठीक है पहले मैं ये सारे गाइज फर्स्ट लिख रहा हूँ फिर ये मैं यहाँ पे फॉलो लिखूंगा.
तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो गया, सिंपली हमारा ए के बाद मतलब हमारा जो स्ट्रिंग जनरेट करेगा उसके बाद सिंपली हमारे सारे स्ट्रिंग्स जो है बी से ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो बी आ गया सिंपल। फर्स्ट ऑफ बी विल बी इक्वल टू सिंपली सी, फर्स्ट ऑफ सी विल बी इक्वल टू डी एंड फर्स्ट ऑफ डी विल बी इक्वल टू वट ई। वाई गाइस ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी सिनेरियो लिया है एस डिराइव्स ए बी सी डी, तो अगर मैं यहाँ पे बी को एक्सपेंड करता हूँ तो मेरा क्या आएगा स्मॉल बी आएगा, है ना। तो इसीलिए मेरा फर्स्ट ऑफ बी मतलब जो भी मैं बी को एक्सपेंड कर रहा हूँ उसके बाद जो मेरे स्ट्रिंग्स आ रहे हैं उसका पहला सिंबल क्या है, उसका पहला सिंबल हमेशा बी ही होगा, क्योंकि बी के बाद हम सिर्फ सी ही यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे सिंपली अगर सी होगा तो सी आ जाएगा, बी अगर बी को डिराइव करेगा तो सिंपली बी आ जाएगा। ओके सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल बी इज डिराइविंग सी, तो सिंपली बी आपका सी को डिराइव करेगा, सो फर्स्ट ऑफ बी विल बी इक्वल टू वट स्मॉल सी। ओके गाइस तो ये तो हो गए हमारे सारे फर्स्ट। नाउ फॉलो की अगर हम बात करते हैं तो फॉलो ऑफ एस क्या होगा, इसमें आपको बताया हमेशा कि फॉलो ऑफ एस, एस क्या है स्टार्टिंग सिंबल, इट विल ऑलवेज बी अ डॉलर, तो हमने ले लिया डॉलर। अब हम देखेंगे गाइस कि हमारा एस अगर राइट हैंड साइड पे आता है कि नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो नहीं आ रहा है इस वाले किस सिनेरियो में, बट अगर गाइस बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे आगे उनमें क्या है हमारा एस जो है राइट हैंड साइड पे भी लाइक करता है, तो अगर हमारा राइट हैंड साइड पे एस लाइक करेगा सो गाइस उसके जस्ट बाद जो हमारा टर्मिनल आएगा वी विल टेक दैट। ओके तो वो एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे फ्यूचर में, फॉर द टाइमिंग ये हमारा हो गया डॉलर। फिर हम बात करते हैं फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए की जब हम बात करते हैं गाइस तो हमको ए की वैल्यू देखनी है ऑन द आरएचएस, तो ए हमारा यहाँ पे फॉलो ऑफ ए मतलब फर्स्ट ऑफ बी सी डी। ओके मैं लिख देता हूँ, ओके गाइस फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी सी डी। वाई फर्स्ट ऑफ बी सी डी, क्योंकि यार फॉलो का मतलब क्या होता है इसके बाद मेरा जस्ट कौन सा टर्मिनल आ रहा है ना, अगर मेरा है ए डिराइव्स बी ए सी तो फॉलो ऑफ बी क्या होता है ए होता है ना, मतलब तुरंत जस्ट इसके बाद मेरा कौन सा टर्मिनल आ रहा है। सो इन द सिमिलर मैनर गाइस फॉलो ऑफ ए क्या होगा हमारा फर्स्ट ऑफ बी सी डी, तो फर्स्ट ऑफ बी सी डी मतलब फर्स्ट ऑफ बी हो गया सी, तो इसलिए हमारा सिंपल यहाँ पे फॉलो ऑफ ए आ गया स्मॉल सी। ओके दिस इज द सिनेरियो। अब हम बात करते हैं गाइस फॉलो ऑफ बी क्या आपका होगा, फॉलो ऑफ बी मतलब अब देखिए फॉलो ऑफ बी मतलब इसके तुरंत बाद जो हमारा स्ट्रिंग जनरेट होगा, सो गाइस फॉलो ऑफ बी के बाद हमारा कौन सा स्ट्रिंग जनरेट होगा। ओके तो दैट विल बी इक्वल टू वट फर्स्ट ऑफ सी डी, एंड गाइस सी एंड डी में हमारा पहला आ रहा है सी, तो सिंपली हमारा फॉलो ऑफ बी हो जाएगा फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी विल बी इक्वल टू डी, तो इसलिए सिंपली हमारा आ गया स्मॉल डी यहाँ पर। ओके दिस इज द सिनेरियो। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ फॉलो ऑफ सी, तो फॉलो ऑफ सी क्या होगा गाइस इसके तुरंत बाद जो हमारा टर्मिनल आ रहा है इसके बाद हमारा टर्मिनल क्या आएगा डी आएगा, मतलब वेरिएबल तो डी है, फिर डी के बाद हमारा क्या एक्सपेंड हो रहा है डी इज डिराइविंग वट ई, तो सिंपली हमारा इसके बाद टर्मिनल आ रहा है गाइस ई, तो सिंपली फॉलो ऑफ सी विल बी इक्वल टू स्मॉल ई, तो आपका स्मॉल ई आ गया। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ गाइस फॉलो ऑफ सी हमारा ई कैसे आया है, सो सिंपली ये सिनेरियो है सपोज एस डिराइव्स ए बी सी डी था, सो गाइस हमने क्या बोला कि हमको फॉलो ऑफ सी चाहिए। अब गाइस फॉलो ऑफ सी क्या होता है इसके तुरंत बाद जो हमारा टर्मिनल आएगा है ना, इसके तुरंत बाद हमारा टर्मिनल कौन सा आएगा अब हम देखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे वेरिएबल है तो हम नीचे जाएंगे हम देखेंगे टर्मिनल क्या आ रहा है। टर्मिनल हमारा आएगा गाइस डी इज ड्राइविंग स्मॉल ई, तो सिंपली हमारा ई है, तो इसलिए इसके बाद जस्ट जो हमारा टर्मिनल आ रहा है वो है हमारा ई, सो दैट्स वाई फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू स्मॉल ई हमारा हो गया। इन अ सिमिलर मैनर गाइस जब हम बात करते हैं फॉलो ऑफ डी, अब देखिए हम मैंने आपको एक रूल बताया था ना पीछे भी जस्ट नाउ कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपको फॉलो ऑफ बी निकालना है ये एंड में, तो सिंपली फॉलो ऑफ बी क्या होगा गाइस फॉलो ऑफ ए हो जाएगा, तो उसी तरीके से हम यूज़ करते हैं ये वाला सिनेरियो। सो गाइस हमारा फॉलो ऑफ डी क्या हो जाएगा सिंपली फॉलो ऑफ एस, एंड फॉलो ऑफ एस हमने निकाला हुआ डॉलर, तो सिंपली ये आ गया आपका डॉलर। ओके तो दिस इज द सिनेरियो। अब गाइस जैसे मैंने आपको अभी भी बताया ना कि फॉलो ऑफ डी क्या होगा फॉलो ऑफ एस, अब ये क्यों होता है इसको समझते हैं चीज़ को, क्योंकि देखो सपोज फॉर एन एग्जांपल अगर आपके पास एक प्रोडक्शन है ए डिराइव्स बी सी, सो गाइस हम कहते हैं कि फॉलो ऑफ सी मतलब हमारा क्या होगा फॉलो ऑफ ए होगा, ऐसा क्यों होता है इसको हम समझते हैं चीज़ को। अगर हमारे को गिवन है ए डिराइव बी सी एंड समवेयर इन अवर पार्ट्स ही हम जनरेट कर रहे हैं या फिर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, तो सपोज हमारे पास एक सिनेरियो जनरेट होता है क्या होता है कि ए ए बी सी एंड देन डॉलर, डॉलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गाइस एंड ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है सिंपल सा। तो सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ चुका है तो हम क्या करेंगे गाइस ए को रिप्लेस करेंगे बी सी से, तो सिंपली हमने बी सी से रिप्लेस कर दिया, सो दैट्स वाई हमारा फॉलो ऑफ सी अगर हम इस केस में देखते हैं बी सी ए बी सी में, तो फिर हमारा फॉलो ऑफ सी क्या होगा इसके तुरंत बाद जो हमारा टर्मिनल आ रहा है इसके तुरंत बाद गाइस हमारा स्मॉल ए टर्मिनल आ रहा है ना, तो इसीलिए हमारा हमारा फॉलो ऑफ सी विल बी इक्वल टू वट स्मॉल ए, सो गाइस दैट्स वाई हमारा टर्मिनल जो है स्मॉल ए है, सो फॉलो ऑफ सी विल बी इक्वल टू वट फॉलो ऑफ ए एंड फॉलो ऑफ ए इज ऑल्सो वट स्मॉल ए, तो इसीलिए हम बोलते हैं फॉलो ऑफ सी मतलब फॉलो ऑफ ए होगा तो हमारा स्मॉल ए हो जाएगा। ओके तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ए। सो गाइस ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट अबाउट फर्स्ट एंड फॉलो, सो वीडियो चलोगे तो प्लीज लाइक इट।